हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। कल हम लोग कर रहे थे विलियम शेक्सपियर के दो नाटकों पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए थे, और कल का जो प्ले था वो था मैकबेथ और किंग लियर। ठीक है, कल हम लोगों ने मैकबेथ और किंग लियर पर चर्चा की थी, 20 क्वेश्चन ये थे। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मैकबेथ और किंग लियर कल बात किए थे, आज की बात होगी वो होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर का बड़ा ही फेमस प्ले है, ट्रेजी कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, और लिखा कब गया था ये बात आपको पता होगी। मर्चेंट ऑफ वेनिस किस समय का प्ले है ये? 1599 में करीब लिखा गया था, लेकिन फाइनली पब्लिश हुआ था 1600 में। ठीक, तो 1600 की शुरुआत में पब्लिश हो गया था, तो इसका मतलब हुआ कि ये लिखा तो 1599 में, क्योंकि देखो प्ले वगैरह रातों रात नहीं लिखे जा सकते ना, वो रात भर में लिखे नहीं गए रहे होंगे, तो ये 1599 में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये किस तरह का प्ले है? ये है एक तरह से ट्रेजी कॉमेडी, जिसको हम लोग रोमांस भी कहते हैं। किस तरह का प्ले है ये? ये उनका स्पेशल प्ले है, ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी क्या चीज होती है? उसमें आधी ट्रेजेडी होती है और आधी कॉमेडी होती है। इस प्ले में ट्रेजेडी कहां तक है? जब एंटोनियो को ड्यूक की कोर्ट में करीब 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 मरने की नौबत आ ही गई थी, मतलब ही वाज ऑलमोस्ट डेड। ऑलमोस्ट डेड का मतलब साइलॉग चाकू लगा चुका था, काटने ही जा रहा था। एक मिनट की देरी हो जाती या पोर्शिया को आने में घंटे भर की देरी हो जाती तो फिर गए थे। और जो ट्रेजेडी की एक और खासियत होती है कि ये एक इसमें एक ट्रेजिक फ्ला होगा, तो एंटोनियो में वो ट्रेजिक फ्ला है, डेथ नहीं होती। ट्रेजिक फ्ला ही मेन प्रोटेगोनिस्ट को डेथ की ओर ले जाता है, तो एंटोनियो भी करीब डेथ की ओर पहुंच ही गए थे, डेथ तक पहुंच गए थे, बस लास्ट में बचा लिए जाते हैं, थोड़ा सा उसके बाद कॉमेडी का पुट आ जाता है। तो ये एक नया प्रयोग था विलियम शेक्सपियर का इस तरह का। तो चलिए आज इसी प्ले पे हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आज है, आज फिर आपके उसी कल की तरह करीब 20 क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं आज, और ये है हमारा आज का 10। ठीक है, आ जाओ, ये यहां पे आते हैं। राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर। प्ले का नाम क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में बताया। क्वेश्चन पहला क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि व्हाट रीजन डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड? एक्ट वन के सीन वन में जब सीन ओपन होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, पहला सीन आता है, तो एंटोनी अपने घर पर थोड़े दुखी दुखी से हैं, और सेलेरियो सेलेनियो ये सब आते हैं, पूछते हैं कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। सेलेरियो ने अपना अलग रीजन दिया, सेलेनियो ने अपना अलग रीजन दिया, दोनों ने इनसे पूछा कि आखिर आपके दुखी होने का कारण क्या है। तो इन्होंने क्या कारण दिया था या कोई कारण नहीं बताया था, प्ले के ओपनिंग सीन में अपने दुखी होने का इन्होंने क्या कारण दिया था? चलिए, या हो सकता है कोई कारण ना दिया हो। आप देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि ही स्टैंड्स टू लूज अ फॉर्चून इन हिज प्रेजेंट बिजनेस वेंचर। नुकसान हो गया है क्या? एक्ट वन के सीन वन में इनको पता चला था कि इनका नुकसान हो गया है, ये बात तो है नहीं, ये बात थी नहीं। दूसरा है कि ही ओज अ फैंटास्टिक सम ऑफ मनी टू साइलॉग। साइलॉग से इसने काफी अच्छा अमाउंट कर्जा ले रखा था। एक्ट वन के सीन वन में ये कर्जा नहीं लिए थे, एक्ट वन के सीन वन के बाद कर्जा लेते हैं, तो ये कर्जे वाली बात भी नहीं है। अगर बाद में होता, ये एक्ट वन सीन वन या ओपनिंग सीन ना लिखा होता, ये ओपनिंग सीन, अगर यहाँ ओपनिंग सीन ना लिखा होता तो बात, ये साइलॉग वाली बात हो भी सकती थी, अभी तो नहीं होगी। अगला, ही गिव्स नो रीजन।
वो अपने दुखी होने का कोई कारण नहीं देता, यही बात सही है। द वुमेन ही लव्स डज नॉट रिटर्न हिज फीलिंग, जिससे ये प्यार करते थे उनके उसने इनको बदले में इनके फीलिंग को रिटर्न नहीं किया। एंटोनियो का इस प्ले में एंटोनियो का कोई प्यार वार नहीं है भैया यहाँ पर, और इसमें सही आंसर क्या होगा कि उन्होंने एंटोनियो ने अपने दुखी होने का कोई कारण नहीं दिया था। तीसरा, ये चौथी वाली बात पूरे प्ले में कहीं नहीं है, पहली और दूसरी वाली बात है तो प्ले के अकॉर्डिंग कि उनको बाद में सूचना मिलती है कि उनकी जहाजें डूब गई, लेकिन ये सूचना बाद में मिलती है, एक्ट वन सीन वन में नहीं है। और सैलाक से इन्होंने कर्जा भी लिया था, लेकिन जिस सीन की बात हो रही है उस सीन में अभी तक इन्होंने कर्जा नहीं लिया है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये तीसरी वाला आंसर होगा, इन्होंने अपने दुखी होने का कोई कारण बताया नहीं था एक्चुअली। चलो क्वेश्चन नंबर टू, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर टू, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू? चलिए, व्हाट न्यूज डज एंटोनियो रिसीव एट द प्लेज एंड, प्ले के एंड में। पहला वाला क्वेश्चन क्या था? प्ले की शुरुआत में, और ये है प्ले के एंड में। प्ले के एंड में जब एकदम प्ले खत्म हो जाता है, जब ग्रेशियानो और इन सब की शादी हो जाती है, तब एंटोनियो को क्या खबर मिलती है, क्या सूचना मिलती है, बताना। कि साइलॉक हैज किल्ड हिमसेल्फ, क्या सूचना मिलती है कि साइलॉक ने सुसाइड कर लिया, या इनको ये सूचना मिलती है कि सम ऑफ द शिप्स ही सपोज्ड वर लॉस्ट हैव अराइव्ड द पोर्ट, कुछ उसकी कुछ शिप जिनको ये मान बैठे थे कि वो खो गई है, पैसा डूब गया, वो पोर्ट पर वापस आ जाती हैं, या ये खबर मिलती है कि ड्यूक ऑफ वेनिस है चेंज हिज माइंड एंड फाइंड सेंटोनियो गिल्टी, कि ड्यूक जो है उसने अपना मन बदल लिया और एंटोनियो को दोषी साबित किया, या साइलॉक का बॉन्ड इनको मिलता है लास्ट में, या हिज लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर मिल जाता है लास्ट में। भाई भाई, कोई भाई भाई नहीं खोया था भाई इनका। ठीक, ये दिवाला आंसर ये तो यहां जाना चाहिए था, ये यहां का नहीं है, ये यहां होगा। आप साइलॉक्स बॉन्ड ये यहां होगा, और ये जो ई है ये डी होगा। ठीक है, तो अब है तो ये भी नहीं, और ना ही ये गिल्टी उनको मिला, और पहली वाली बात भी नहीं है, बात यही दूसरी वाली सही है। जब इन लोगों की शादीवादी हो जाती है उसके बाद इनको क्या पता चलता है, इनको ये सूचना मिलती है, एंटोनियो को लास्ट में सूचना ये मिलती है, जब वही एंड हो रहा था प्ले का, तो इनको सूचना मिलती है, एक चिट्ठी आती है, पोर्शिया इनको बताती है कि आपके जो जहाज खो गए थे, जिसको आप ये मान रहे थे कि वो जहाज डूब गए हैं, वो जहाज सारे के सारे पोर्ट पर वापस आ गए हैं। तो दो गुनी तीन गुनी खुशी हो गई थी, उधर बेसोनियो की शादी हो गई, उधर ग्रेशियानो की शादी हो गई, इधर एंटोनियो ने केस जीत लिया, इनकी जान बच गई, तो मतलब कई सारे चीजें एक साथ होती हैं, सब खुशी वाली बातें थी। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन है कि द कास्केट्स दैट पोर्सिया सूटर्स मस्ट पिक फ्रॉम, जो कास्केट्स थे पोर्सिया की शादी के लिए, पोर्सिया के फादर कैंटो ने जो प्लान बनाया था कि पोर्सिया की शादी के लिए उन्होंने शर्त रखी थी, तीन कास्केट रखे थे, उन्होंने कहा कि इस कास्केट किसी एक एक बताएंगे नहीं, नहीं तो अभी आंसर निकल जाए मुझसे। तीन अलग अलग धातुओं के डिब्बे थे, कास्केट थे, उसमें एक में पोर्सिया की फोटो रखी हुई थी, पोर्सिया की पिक्चर थी, और उन्होंने ये कहा था कि इन तीनों में से जो सही कास्केट चुन लेगा जिसमें पोर्सिया की पोर्ट्रेट है, उसी से पोर्सिया की शादी कर दी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, ठीक, तो अब आ जाओ, तो वो डिब्बे किस किस चीज के बने हुए थे? गोल्ड का, सिल्वर का, लेड का, एक सोने का था, एक चांदी का था, और एक शीशे का था, या एक टीक का था, सिल्वर का था, लेड का था, या गोल्ड का, डायमंड का, और लेड का था, या गोल्ड, डायमंड,
और एक सिल्वर का था, कौन सी बात थी? तो भाई देखो, टीक तो उसमें था नहीं और डायमंड भी नहीं था, तो डायमंड यहां भी नहीं होगा। एक्चुअली ये गोल्ड का था, एक सिल्वर का था और एक लेड का था, तीन बातें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आओ, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, इसमें से कौन सा एक कारण नहीं है जो नॉट अ रीजन, ध्यान रखिएगा, कौन सा कारण नहीं है जो साइलॉक देता है एंटोनियोस के प्रति उसकी नफरत के लिए, मतलब वो एंटोनियो से नफरत करता है, इसके लिए उसने कौन सा कारण नहीं दिया था? मतलब उसने तीन चार कारण बताए थे कि आई हेट एंटोनियो फॉर मेनी रीजंस, व्हाट आर द रीजंस, और ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, वन ऑफ द रीजन इज नॉट गिवन बाय साइलॉक, इनमें चार में से एक रीजन साइलॉक ने नहीं दिया था, वो कौन सा रीजन साइलॉक ने नहीं दिया था एंटोनियो से नफरत का, विच वन इज दैट? चलो, पहला दिया है इन्होंने कि एंटोनियो इज इन लव विद साइलॉक्स डॉटर जेसिका, एंटोनियो साइलॉक की बेटी जेसिका को प्यार करते हैं इसलिए वो उनसे नफरत करता है, चिढ़ता है, क्या ये बात है? दूसरा है, एंटोनियो हैज इंसल्टेड साइलॉक इन द पास्ट, एंटोनियो ने साइलॉक को इंसल्ट किया था, उसका अपमान किया था, ठीक है ये बात तो है। एंटोनियो लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट, एंटोनियो बिना ब्याज के लोगों को पैसा देता है, इससे साइलॉक का बिजनेस बर्बाद हो रहा है। साइलॉक क्या है? उसरर है, सूदखोरी का बिजनेस करता है, और ये एंटोनियो बिना ब्याज के पैसा दिया करते हैं तो उसके बिजनेस को नुकसान होता है। एक है एंटोनियो हेट्स ज्यूज, एंटोनियो यहूदियों से नफरत करता है, ये दोनों कारण भी हैं। अब यही वाला एक कारण नहीं है, ये कारण साइलॉक ने नहीं दिया था, एंटोनियो के प्रति उसकी जो नफरत है, द हेट फॉर हेट इन हिम फॉर एंटोनियो, व्हाट आर द रीजंस ही डज नॉट गिव, ही डिड नॉट गिव दिस वन रीजन, क्योंकि साइलॉक की बेटी जेसिका से प्यार एंटोनियो नहीं करता था, लोरेंजो करता था, और साइलॉक ने ये ऐसी कोई बात कही भी नहीं थी, इसलिए आपका आंसर कौन सा हुआ? आंसर होगा ए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, हाउ डज साइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैक्स टू बेसोनियो एंड एंटोनियो। अब ये शुरुआत में इनिशियली उसने एक पाउंड मांस की जो डिमांड की थी, डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ मांस फ्लैश बेसोनियो से, वो किस लहजे में की थी? सीरियस था या वो मजाक के मूड में कह रहा था? मतलब मूड उसका मजाक नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है, उसका मूड मजाक का नहीं था, ही वॉज प्लॉटिंग अगेंस्ट देम, वो उसका प्लान था, वो प्लॉट कर रहा था, उसके दिमाग में ये बात तो चल ही रही थी कि एक बार ये हमारे चंगुल में फंसे तो हम इनकी आंतें निकाल लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में उसने कहा इन लोगों से क्या था, डिस्क्राइब क्या किया था, अरे यार मजाक की बात है, उसने कहा कि चलो एक बॉन्ड लिख लेते हैं कि इन 300 डकेट्स के बदले अगर तुम नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारी शरीर से एक पाउंड मांस ले लूंगा और उस जगह से लूंगा जहां से मेरी मर्जी होगी। तो उसने कहा कि अरे यार ऐसे मजाक में कह रहा हूं, चलो मजाक मजाक में एक बना लेते हैं बॉन्ड। तो वो शुरू में बोला था कि मजाक मजाक में एक बॉन्ड बना रहे हैं ये, और उसी मजाक मजाक के बॉन्ड को सीरियस कर दिया था एज अ हार्मलेस प्रैंक। उसने क्या बोला था इसको कि एज अ हार्मलेस प्रैंक ये मैं शुरू कर रहा हूं, रिवेंज मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ रिवेंज उसके मन में था, उसने कहा नहीं था, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिवेंज उसके मन में रहा होगा लेकिन उसने बोला नहीं था, और यहां कह रहे हैं डिस्क्राइब किया था, तो ये ए वाला नहीं हो पाएगा। दूसरा है एज हिज वे ऑफ बीइंग चैरिटेबल, चैरिटेबल होने का तरीका नहीं था उसका, और ये भी प्रोक्योरिंग फूड, ये अरे उनका मांस काट के वो खाता थोड़े ना पका के। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा इसमें? आंसर होगा इसका सी, वो प्रैंक कर रहा था, वही कहा उसने कि ये प्रैंक कर रहा हूं। आओ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहे हैं, व्हाई डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को फियर दैट,
प्रिंस ऑफ मोरक्को को किस बात का डर है, क्यों वो डर कर, क्यों उनके मन में इस बात का डर है कि पोर्सिया विल डिसलाइक हिम, पोर्सिया उन्हें पसंद नहीं करेगी, इनके अंदर इस बात का डर क्यों है? प्रिंस ऑफ मोरक्को के अंदर इस बात का डर क्यों है कि पोर्सिया उन्हें पसंद नहीं करेगी? चलिए पोर्सिया उन्हें पसंद नहीं करेगी, उन्हें इस बात का डर क्यों है बताओ? क्या वो एक ही इज अ ब्रेगार्ड, या ही हैज डार्क कॉम्प्लेक्शन, या ही रिसेंटली प्रूव्ड कावर्ड, या हिज क्लॉथ्स आर फ्लेमबॉयंट, उनके कपड़े फ्लेमबॉयंट हैं, ऐसा कुछ नहीं था, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था। शुरू शुरू में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा, ये बात कही थी पोर्सिया से कि लेडी जज मी नॉट बाय माय कॉम्प्लेक्शन, जज मी नॉट बाय माय कलर, मुझे मेरे कलर से जज मत करना, इस काले शरीर के अंदर, इस काली त्वचा के अंदर उतना ही लाल ब्लड है जितना किसी यूरोपियन का होगा। तो ये बात उन्होंने कहा था कि मेरे काले रंग पे मर जाना, मैं बहुत दिल वाला हूं, ठीक है? तो वो वही बोल रहे थे जो आजकल गाना बना है, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो यही प्रिंस ऑफ मोरक्को यही बात आके पोर्सिया से बोले थे कि हम काले नहीं है, दिल काले हैं मगर दिल वाले हैं। तो उनको डर किस बात था कि उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से पोर्सिया उनको कहीं डिसलाइक ना करे, ये था। तो सिक्स का बी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्या कह रहा भैया? क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? What words does Shylock utter after accepting the court's sentence? कोर्ट की सेंटेंस, कोर्ट की सजा सुनने के बाद Shylock के मुंह से क्या शब्द निकले थे? कोर्ट की सजा सुनने के बाद Shylock के मुंह से क्या शब्द निकले थे? बोलो। कोर्ट की सजा, कोर्ट सेंटेंस सुनने के बाद Shylock के मुंह से क्या शब्द निकले थे? अपक्षपन बेनिस, ये बोला नहीं था। दीज आर मोस्ट अनलॉफुल लॉज, ये भी नहीं बोला था। फॉरगिव मी माय सिंस, मेरे गलतियां माफ करना, ये भी नहीं बोला था। उसने बोला था कि आई एम नॉट वेल, उसने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, बॉन्ड भेज देना, मैं घर पे साइन कर दूंगा। पर इन लोगों ने जाना जाने नहीं दिया था, इन्होंने कहा था कि कुछ और बाकी है, और जबरदस्ती उसको इन लोगों ने क्रिश्चियन बना दिया था, ठीक है ना? तो जाते जाते उसने क्या बोला था, आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत सही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट। ये क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है कि व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव, ठीक, व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व द मिजरी ऑफ लाइफ विद Shylock। जेसिका को लगता है कि क्या करके वो अपने Shylock के साथ जो उसका जीवन दुखद था, ठीक, Shylock के साथ रह के उसके जीवन में जो दुख थे, जो कष्ट थे, वो क्या करेगी तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व द मिजरी, वो उसके मिजरी ऑफ लाइफ को कौन सा काम सॉल्व करेगा Shylock के साथ जो उसका जीवन है। बिकमिंग अ मोर डिवोट जीव, वो ज्यादा और ज्यादा समर्पित जीव बन जाएगी तो नहीं। एंश्योरिंग दैट Shylock लूजेस हिज बॉन्ड टू एंटोनियो, ये भी नहीं। लॉकिंग हर सेल्फ इन हर रूम, अपने रूम में वो कैद कर ले खुद को तो नहीं। मैरिंग लोरेंजो, अगर वो लोरेंजो से शादी कर लेती है तो उसकी जो जिंदगी में मनहूसियत है, उसकी जो जिंदगी खराब है, वो ठीक हो जाएगी, यही उसने सोचा था। जेसिका को लगता है कि अगर वो लोरेंजो से शादी कर लेगी तो उसकी जो Shylock के साथ बहुत नरक की जिंदगी जी रही है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसा इन्होंने सोचा। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आओ। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लोरेंजोस प्लान, लोरेंजो का प्लान क्या था? हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस, लोरेंजो के का प्लान क्या था कि जेसिका अपने फादर के घर से कैसे भागेगी, इनके साथ कैसे निकलेगी, बताओ। इनका प्लान क्या था कि जेसिका लोरेंजो
नरेंद्र के साथ भागना है तो सैलाब के घर से कैसे भागेगी? सी विल डिस्गाइज हरसेल्फ, डिस्गाइज हरसेल्फ एज लोरेंजो टॉर्च बियरर। वो एक लड़के के बेस में लोरेंजो का टॉर्च बियरर बन के आएगी। या सी विल लीव ड्यूरिंग द नाइट, रात में ये लोग भागेंगे, ऐसी कोई प्लान नहीं है, ठीक है, जब सैलाब सो रहा हो तब भाग जाएंगे, ये नहीं था। सी विल टेक हर फादर टू अ लार्ज पब्लिक ऑक्शन एंड गेट लॉस्ट इन द क्राउड। वो उसके फादर को एक बहुत बड़े पब्लिक ऑक्शन में ले जाएंगे, वहीं छोड़ के चले आएंगे। या सी विल फेक हर ओन डेथ, या अपने आप को मरा हुआ दिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। बात ये वाली थी, ये सारी बातें नहीं है। बात ये थी कि जब एक पार्स कहते हैं ना कि एक मास्करेड होने वाली है, मास्करेड का मतलब हुआ मास्क लगा करके वो एक त्योहार मनाते हैं ये लोग, मास्क लगा करके मसाल करके जुलूस निकालते हैं। तो जैसे वो लोरेंजो का टार्च बियरर उनकी मसालची, उनका मसाल लेकर चलने वाले लड़के के बेस में आएगी जेसिका, लड़कों का ड्रेस पहन के, लड़कों के गेटअप में, और लोरेंजो का टार्च बियरर बन के आएगी, ये प्लान हुआ था, और इसी तरह से वो वहां से भाग लेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नौ क्वेश्चन हो गए और हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, हाउ डज साइलॉक रिएक्ट टू लूसिंग लुसलाट एज ए सर्वेंट। जब लुसलाट चला जाता है, ओल्ड गोब्बो का बेटा है लुसलाट, कौन है, ओल्ड गोब्बो का बेटा है, साइलॉक का नौकर था। ओल्ड गोब्बो क्या है, साइलॉक का नौकर है, उन्हीं का बेटा है लुसलाट, और लुसलाट ऊब गया है साइलॉक की नौकरी कर करके, वो तंग आ गया है, उसे लगता है कि सैलाक उसके साथ ज्यादती कर रहा है, वो उसको लगता है कि हमसे बैलों की तरह काम करते हैं और खाने भर को पेट भर नहीं देते हैं। और जब वो बताता है कि हम नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, तो सैलाक क्या कहता है, कैसे रिएक्ट करता है, लुसलाट का नौकरी छोड़कर जाना, सैलाक की नौकरी छोड़कर जाना, उस पर सैलाक ने क्या रिएक्ट किया था। आप बताओ, ही वीप्स इन प्राइवेट, क्या सैलॉक अकेले में रोया था उसके लिए? बिल्कुल नहीं, सैलॉक किसी के लिए नहीं रोया, अपने पैसे के लिए रोया था बस। ही टेल्स लुसलाट दैट बेसोनियो विल बी ए हार्डर मास्टर। वो कहता है लुसलाट से कि जाओ सैलॉक तुम्हारे साथ और सख्ती से पेश है, मतलब वह उतना हार्ड मास्टर नहीं था सैलॉक, बेसोनियो तुम्हारे साथ हार्डर मास्टर होगा, हार्डर मतलब और सख्त मास्टर होगा तुम्हारा। तो यही वाली बात कही थी सैलॉक ने लुसलाट से, ये बात अब ऑप्शन हो गया तो आगे क्या करें, बात खत्म हो गई। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग हाफ सेंचुरी लगा चुके। हाउ डज पोर्सिया रिएक्ट टू द प्रिंस मोरक्कोस फेलियर एज अ शूटर। प्रिंस मोरक्को जब एक शूटर के रूप में फेल होते हैं, पोर्सियाज रिएक्शन किस बात का, प्रिंस ऑफ मोरक्कोस फेलियर, प्रिंस ऑफ मोरक्को जब फेल हो गए शूट में, तो पोर्सिया ने क्या रिएक्ट किया था जब वो मतलब हार गए, जब के जब अपना दांव हार गए, पोर्सिया ने क्या रिएक्ट किया था। She prays that no one with such dark skin ever wins her hand. उसने प्रे किया था, गॉड से प्रे किया था, हे भगवान इतना काला आदमी मेरा हाथ ना पाए, मेरी शर्त ना जीत पाए। कहा तो यही था इन्होंने, आंसर तो वही है, रिएक्शन तो पोर्शिया का यही वाला था, ठीक है। चलो जब पहले में आंसर मिल गया तो और क्या समझाना, ठीक है। पोर्शिया ने कहा था, ईश्वर से प्रे किया था कि हे भगवान जब प्रिंस ऑफ मोरक्को का मतलब अटेम्प्ट फेल हो गया, तो पोर्शिया ने थैंक गॉड हाथ जोड़ के कहा था, थैंक गॉड अब दोबारा ऐसा करना कि इतना काला आदमी फिलहाल मेरी शर्त ना जीते, मैं किसी इतने काले आदमी की दुल्हन ना बनूं, ठीक है। ये उन्होंने रिएक्ट किया था,
Who loses the opportunity to marry Portia by choosing the silver casket? तो किसने सिल्वर कास्केट चुन करके सिल्वर कास्केट सेलेक्ट करके पोर्शिया को चुनने का की शर्त हार दी? कौन कौन था जो ये शर्त हार दिया हार गया था सिल्वर कास्केट चुनने के नाते? तो किसने चुना था सिल्वर कास्केट बताओ बोलो। तो ड्यूक ऑफ माल्टा आए नहीं थे, यही आए थे अरागन, ड्यूक ऑफ अर्ल और ये नॉर्मंडी आए नहीं थे, ये सब इन सब लोगों का केस दिया नहीं था किसने कौन सा चुना था। दो लोग आए थे, एक प्रिंस ऑफ मोरक्को आए थे, इन्होंने गोल्ड कास्केट चुना था, और दूसरा प्रिंस ऑफ अरागन आए थे, इन्होंने सिल्वर कास्केट चुना था। ठीक है, तो सिल्वर वाला कास्केट चुना किसने था? प्रिंस ऑफ अरागन ने चुना था। तो ये है प्रिंस ऑफ अरागन, यही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अकॉर्डिंग टू द ट्यूबाल्क रिपोर्ट, ट्यूबाल्क ने रिपोर्ट दी थी। ट्यूबाल्क कौन है, याद है आप लोगों के? एक दूसरा जीव ट्यूबाल्क कौन है, इनका साइलॉक का साथी, एक दूसरा एनदर जीव ऑफ वेनिस और कंपेनियन ऑफ साइलॉक, बस ये दो नाम मिलते हैं। According to Tubal's report, Tubal की report के according, for what did Jessica trade Shylock's most precious ring? Shylock की most precious ring जो उनकी पत्नी ने शादी के पहले इनको गिफ्ट की थी, वो रिंग, उस रिंग के बदले उनकी बेटी जेसिका ने क्या खरीद लिया था? बोलो क्या चीज खरीदी थी? Tubal आके Tubal को भेजा है, Shylock ने Tubal को भेजा है, Portia का सॉरी साइलॉक ने ट्यूबाल को भेजा है जेसिका का पता लगाने के लिए। जब जेसिका लोरेंजो के साथ भाग जाती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलोप। व्हेन जेसिका इलोप्ड विद लोरेंजो, तो साइलॉक ट्यूबाल को भेजता है पता लगाने, जहां जहां वो सुनता है कि लोग यहां देखे गए वहां वहां साइलॉक ट्यूबाल को भेजता है, जब उसका पता लगाओ, लड़की को वापस लाना ना ले आना, वो जो मेरे गहने लेके भाग गई है वो सारे वापस ले आना। और ट्यूबाल आ करके जब साइलॉक को यह बताता है कि आपकी वो जो सबसे कीमती अंगूठी थी जो आपकी पत्नी ने दिया था आपको शादी के पहले वाला गिफ्ट, तो उस एक अंगूठी के बदले उसने एक बंदर के बदले एक पूरी अंगूठी दे दी, मतलब अंगूठी बेच के अंगूठी दे करके उसने एक बंदर खरीदा है। और इस बात पर साइलॉक इतना दुखी हो जाता है कि हे भगवान, मैं पूरी बंदरों की टोली के लिए भी वो अंगूठी ना देता, इस लड़की ने एक बंदर के लिए मेरी वो अंगूठी, वो कीमती अंगूठी दे दी जो उसकी माँ ने शादी के पहले मुझे गिफ्ट की थी, मेरे लिए कितनी कीमती अंगूठी थी वो। तो ये क्या है? ये है एक बंदर है। ठीक है, बंदर खरीदा था जेसिका ने उस अंगूठी का। इसी बात पे साइलॉक और दुखी हो गया था, बहुत बुरा बुरा कोसता है समय पर वो। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज पोर्शिया सजेस्ट, पोर्शिया क्या सजेस्ट करती है व्हेन शी लर्न्स दैट साइलॉक विशेस टू कलेक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। जब पोर्शिया को यह लगता है कि साइलॉक मानेगा नहीं, अपना एक पाउंड मांस लेकर रहेगा, ठीक, पहले वो समझाती है, लेकिन जब उसको यह लग जाता है कि ये मानेंगे नहीं, एक पाउंड मांस लेकर ही रहेंगे, तो वो क्या सजेस्ट करती है उनको? ठीक है, बोलो वो क्या सलाह देती है, क्या तरीका अपनाती है? वो ये सलाह देती है कि बेसोनियो एंड हिज मेन डिस्गाइज देमसेल्व्स एंड असर एंटोनियोस, ठीक है, एंटोनियो सेफ डिस्टेंस, मतलब ये लोग वेश बना ले और उस वेनिस से भाग जाएं ये लोग। तो पोर्शिया ने वेनिस से भाग जाने की सलाह इन लोगों को नहीं दी थी। दूसरा ये बात कि द मैटर बी डेल्ट विद एन कोर्ट ऑफ लॉ, ये जो मैटर है वो कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ लॉ। या वो ये कहती है कि जेसिका प्लीड विद हर फादर टू मनी, वो जेसिका से कहती है कि अपने फादर से मर्सी के लिए, दया के लिए भीख मांगे, या कि बॉन्ड बी पेड मेनी टाइम्स ओवर, क्या सलाह दी थी? पोर्शिया ने क्या ऑफर किया था? तो जब वो बार बार कह रहा था कि नहीं मैं अपना एक पाउंड मांस लूंगा तो पोर्शिया ने कहा था कि 6 times ज्यादा ले लो, 6 गुना देने को तैयार हूं,
300 रिकॉर्ड दिए, 300 डेकर्ट्स दिए, नहीं 3000, 3000 डेकर्ट्स दिए हो, 3000 का तुम 6000 ले लो, 12000 ले लो, 18000 ले, 6 टाइम्स मोर दे रही थी पोर्शिया ने ऑफर किया था, 6 टाइम्स मोर, 6 गुना ज्यादा देने को, ये सलाह थी उसकी, ये ऑफर किया था उसने। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है कि व्हाट डिड बेसोनियो ऑफर यंगला। तो बेसोनियो, ध्यान रखना कि बेसोनियो ने क्या ऑफर किया था, यंगला क्लर्क, ठीक है। तो यंगला क्लर्क को उन्होंने क्या ऑफर किया था, हु सेव्स एंटोनियो, जिसने एंटोनियो की लाइफ को बचाया था, जिस लायर ने, उसके क्लर्क को बेसोनियो ने क्या ऑफर किया था, क्या ले लो, आपने हमारे दोस्त की जान बचाई है तो बदले में हम क्या लेंगे, क्या देने की बात किए थे ये? बताइए, क्या दिया था उन्होंने, अपने ग्लव्स दिए थे कि अपनी वाइफ, अरे यार वाइफ को कैसे दे देगा, ग्लव्स दिए थे, नहीं ग्लव्स किसने दिए थे पता है, ग्लव्स तो एंटोनियो से लिया था, पोर्शिया ने ग्लव्स एंटोनियो के लिए थे, द रिंग दैट पोर्शिया गेव हिम, वो इन्होंने वो रिंग दी थी जो पोर्शिया ने उसको दिया था, नहीं शुरू में नहीं दिए थे ये, वो तो बाद में उतार के देना पड़ा। बेसोनियो ने क्या ऑफर किया था, रिंग बेसोनियो ने ऑफर नहीं की थी, बेसोनियो ने ऑफर किया था 3000 डकेट्स जो साइलाक को देने थे, इन्होंने कहा कि साइलाक को ये 3000 डकेट्स देने थे, अब साइलाक को नहीं दे रहे हैं, केस जीत गए हैं, आपने हमारे दोस्त की जान बचाई, आप ही ले लीजिए 3000 डकेट्स, तो इन्होंने शुरू में वो 3000 डकेट्स से मांगे दिए थे, ऑफर किए थे, और पोर्शिया ने कहा कि नहीं हमें ये 3000 नहीं चाहिए, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, फिर ये कहे अरे नहीं कुछ तो ले लीजिए, कह रही है अरे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक। अब ये इनको थोड़ा ज्यादा और ताव चढ़ गया, ये कह रहे हैं अरे नहीं ऐसे कैसे, कुछ ले लीजिए, कुछ तो इनाम ले लीजिए, तो कह रहे, तो पोर्शिया कहती अच्छा ऐसा करिए, वो जो अंगूठी पहन रखे हैं आप अपने हाथ में, वही वाली अंगूठी दे दीजिए। अब ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अंगूठी हमारी पत्नी ने दिया है और मैं ये अंगूठी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जब वो अंगूठी दे रही थी तो उसने उसे कसम ली थी कि अंगूठी आप किसी को नहीं देंगे। अब पोर्शिया तो थी ही, पोर्शिया ही तो थी, पोर्शिया कहते अरे जाओ जाओ, देखे तुम्हारे बहुत से थे दानवीर, जब किसी को नहीं देना होता है तो वही बहाना कहता है कि ये किसी का कीमती गिफ्ट है, तो भाई आप लोगों में कोई किसी को इस तरह परेशान ना करे, अहमियत होती है बीबी की अंगूठी की, और वो भी शादी के पहले की हो तो बात ही और है। व्हाट कंप्लेन डज लुइसलाट मेक, लुइसलाट ने क्या शिकायत की, अरे लुइसलाट ने क्या शिकायत की थी, कंप्लेन, व्हाट कंप्लेन डज लुइसलाट मेक, लुइसलाट ने क्या शिकायत की रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द ज्यू, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज, ज्यूज के कन्वर्जन के बारे में लुइसलाट ने क्या शिकायत की थी, आप ये बताओ। तो कन्वर्जन ऑफ ज्यूज का मतलब ये हुआ ना कि ये कौन है, साइलॉक है। अब उसने कहा था, ही सेज वी वुड बी देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू लोन मनी, ये भी नहीं होगा कि कोई लोन देने वाला नहीं बचेगा, ऐसा तो बोला नहीं था। और गारमेंट इंडस्ट्री वुड सफर, कपड़ा उद्योग सफर करेगा, ये भी नहीं बोला था। ये बोला था कि द प्राइस ऑफ द बेकन वुड सोर, बेकन, ये बेकन क्या होता है पता है, ये मांस होता है, सुअर का मांस होता है। तो जब ये जब साइलॉक जो है क्रिश्चियन बन जाता है, द
तो जब सैला को लोग जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाते हैं, तो क्रिश्चियन लोग पिग पोर खाते हैं, बेकन खाते हैं, तो लोसलाट ने बोला था अब एक एक ईसाई और बन गया, तो मतलब जो सुअर का मांस है, बेकन है, वो महंगा हो जाएगा, यही बोला था इसने। लोसलाट ने यही शिकायत की थी, एक और ईसाई बन गया, अब बेकन का बेकन की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसने यही बोला था। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 17 में इनपुट, हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू साइलॉक्स इंसिस्टेंस, साइलॉक का जो इंसिस्टेंस था कि मैं एक पाउंड मांस लेकर रहूंगा, उसको एंटोनियो ने कैसे रिएक्ट किया था। तो एंटोनियो तो तैयार हो ही गया था ना कि ठीक है लो काट लो कोई बात नहीं है, क्या रिएक्ट किया था, ही वीप्स ओपनली, लगा जोर जोर से उन्होंने, हाय दैया रे अब तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ किया था, नहीं किया था। ही वोज दैट, वो मतलब बहुत मजबूत हो जाता है कि ही विल मीट साइलॉक्स हेटेड विद पेशेंस, वो कसम खाता है, वो रिजोल्व मतलब मजबूत होकर खड़ा हो जाता है, ठीक है मैं ये जो भी होने वाला है मैं इनकी नफरत का सामना करूंगा। तो एंटोनियो ने कहा था कि मैं साइलॉक की नफरत का सामना करूंगा विद पेशेंस, मतलब धैर्य के साथ, यही वाली बात उसने बोली थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज पोर्सिया वो टू डू, वो क्या करना चाहती है, व्हेन शी लर्न्स दैट, जब उसको पता चलता है कि बेसोनियो नो लॉन्गर हैज द रिंग शी गेव हिम, जब पोर्सिया को यह पता चलता है कि बेसोनियो ने वो अंगूठी किसी को दे दी है जो उसने उनको दी थी, अब बोलो क्या करेगी, इनका क्या हाल होगा, बेसोनियो का, बेसोनियो क्या करती है, पोर्सिया क्या करती है जब उसको पता चलता है कि पोर्सिया के हाथ में वो अंगूठी नहीं है जो मैंने इनको गिफ्ट की थी शादी पे, आप बोलो क्या हाल करेगी पोर्सिया इनका। नेवर अगेन स्पीक टू हर हस्बैंड, क्या कहा था उसने, मैं अपने पति से कभी बात नहीं करूंगी ना, ये इंडियन औरतें करती हैं, इंडियन पत्नियां करती हैं, मैं हस्बैंड से कभी बात नहीं करूंगी, डिनाई हर हस्बैंड चिल्ड्रन, मैं इनके बच्चे नहीं पैदा करूंगी, ये सब भी ऐसा कुछ बोली थी क्या, लीव हर हस्बैंड, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी, ये बोली थी, ये भी नहीं बोली थी, मेक हर हस्बैंड आ ककहोल्ड, हाँ उसने ये कहा था कि मैं उनको एक ककहोल्ड बना लूंगी, ककहोल्ड बनाने की बात कही थी उसने, तो 18 का क्या होगा डी। चलो आगे आओ 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट लूप होल इन साइलॉक्स बॉन्ड अलाउ पोर्सिया टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश, क्या लूप होल था साइलॉक के बॉन्ड में, एक लूप होल था, वो क्या लूप होल था, क्या कमी पा गई थी जिससे उसने सारी कहानी पलट दी, मतलब साइलॉक के बॉन्ड में वो क्या कमी रह गई थी जिससे इसने पूरा खेल पलट दिया, ठीक है क्या हुआ था, कौन सी कमी थी, पढ़ के बताइए। जेविस लॉ, जेविस लॉ प्रोहिबिट्स साइलॉक फ्रॉम प्रैक्टिसिंग हिज ट्रेड ऑन द सबत, अब ये बताओ क्या यहूदियों का कानून साइलॉक को सूदखोरी के लिए रोकता है, ये बात तो थी नहीं, यहूदियों का कानून सूदखोरी का अलाउ करता है, रोकता नहीं है, साइलॉक इज एंटाइटल्ड ओनली टू फ्लैश बट नॉट टू ब्लड, यही वाली बात थी जो इन्होंने बॉन्ड लिखाया था उसमें एक बात थी कि उन्हें एक पाउंड मांस चाहिए, एक पाउंड मांस काटेंगे, उसमें ब्लड की बात नहीं की थी, और पोर्सिया ने यही बात पकड़ ली कि जब आप एक पाउंड मांस काटेंगे तो एक बूंद खून नहीं गिरना चाहिए, एक बूंद ब्लड नहीं गिरना चाहिए, इसी एक लूप होल की वजह से, इसी एक बात पॉइंट की वजह से
साइलॉक केस हार जाता है और इसी एक पॉइंट की वजह से पोर्शिया इनको जिता देती है एंटोनियो को। और मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, हाउ इज साइलॉक पनिश्ड, साइलॉक को कैसे सजा मिलती है, क्या मिलती है सजा उसको। तो आपको पता है कि साइलॉक को क्या सजा मिलती, उसको ईसाई बना दिया जाता। एक सजा ये थी कि साइलॉक को जबरदस्ती ईसाई बना दिया जाता है, एक सजा ये थी उसकी सारी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी वाज गिवन टू वाज एडेड टू द ड्यूक्स या ट्रेजर पब्लिक ट्रेजर एंड हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी वाज गिवन टू एंटोनियो, वो एंटोनियो को दी गई थी। तो क्या था, उसको बैनिश कर दिया गया था? नहीं, हिज ऑर्डर टू सरेंडर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द चर्च ऑफ रोम, रोम के चर्च को नहीं दिया है। He must convert to Christianity, ये वाली बात है, and will his possession to Jessica and Lorenzo, आधा वो Jessica और Lorenzo को दे देगा death के बाद। और चौथा है कि he must work as Antonio's servant, Antonio का servant बन के काम करना पड़ेगा, ये बात नहीं थी, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो ये थे आज मर्चेंट ऑफ वेनिस के हमारे 20 क्वेश्चंस, और सारे के सारे 20 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, और उम्मीद है इनमें से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसी तरह से फिर किसी प्ले के 20 या ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Thank you.